की दिल की बात मैं बताती हूँ। आप तो अपने रेसकोर्स रोड में बंद रहते हैं, वहां से निकलते नहीं है। आपको कैसे मालूम कि दिल्ली वालों के दिल में क्या है? दिल्ली वाले आपकी फिजूल की बातों से बोर हो चुके हैं। हो चुके हैं कि नहीं? हो चुके हैं। जब भी टीवी चलाते हैं वही फिजूल की बातें, जब भी अखबार खोलते हैं वही फिजूल की बातें। एक दिल्ली की लड़की आपको खुली चुनौती दे रही है, खुली चुनौती दे रही है। दिल्ली की लड़की चुनाव के आखिरी दो चरण नोटबंदी पर लड़िए, जीएसटी पर लड़िए, महिलाओं की सुरक्षा पर लड़िए और उन वादों पर लड़िए जिन्होंने आपको आपने पूरे देश के नौजवानों को आपने जो झूठे वादे किए और जो धोखा दिया उन पर लड़िए। सही है कि नहीं? क्या करूं जी, नेहरू जी ने मेरा पर्चा ले लिया, छुपा दिया है। प्रियंका गांधी, किश्ती बना दी मेरे होमवर्क की और किस पानी में डुबो दी। यही इनके बहाने हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि ये जवाब नहीं दे सकते कि आपके लिए इन्होंने 5 सालों में क्या किया। नकारात्मक राजनीति और बेदर्द राजनीति के अलावा इन्होंने आपको क्या दिखाया है? जीएसटी की और तमाम दुकानदारों की इन्होंने कमर तोड़ी। नोटबंदी की आपको खड़ा कर दिया लाइन में कि खड़े हो जाइए, बहुत बड़ी देशभक्ति है आपकी, खड़े हो जाइए लाइन में। आप तो खड़े हो गए अपनी देशभक्ति दिखाने। कोई काला धन इस देश में आया? नहीं आया। एक रुपया नहीं आया। तो क्या नौजवानों की सुरक्षा राष्ट्रवाद नहीं है? है। नौजवानों को आपने ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 5 सालों में नहीं भाई और बहनों, हर साल देंगे। बताइए तमाम नौजवान भाई बहन खड़े हैं, किसको रोजगार मिला? किसी को नहीं मिला। रोजगार मिला? नहीं, नहीं मिला ना। नहीं। ना किसानों की सुरक्षा की इस देश में, ना नौजवानों की सुरक्षा की, ना मेरी बहनों की सुरक्षा की, खास तौर हमारे इस शहर में। और कहते हैं कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, चुनाव के समय सिर्फ प्रचार ही प्रचार करते हैं। पिछले चुनाव में झूठे प्रचार किए, इस चुनाव में झूठे प्रचार कर रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, इनको जवाब दे, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। बोलो, हम बनाएंगे। हम बनाएंगे। इनसे जवाब कौन मांगेगा? हम मांगेंगे। कब मांगोगे? वोट देके। 12 तारीख को मांगो। कब मांगोगे? 12 तारीख को मांगेंगे। किसको जिताओगे? शीला दीक्षित को। और कांग्रेस को जिता के किसको मजबूत बनाओगे? राहुल गांधी। अपने आप को, अपनी लोकतंत्र को, उन संस्थाओं को जो आपको सुरक्षित रखती हैं। वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर राजनीति हो। कांग्रेस चाहती है कि विकास के नाम पर, जनता के नाम पर राजनीति हो। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। देखो, बात हो गया है, बात बर्दाश्त कर लिया। अब ऐसी सरकार लाइए जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जो आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे, जो आपके बच्चों को, भाग्य भविष्य को मजबूत करे, जो देश के नौजवान को मजबूत करे। करोगे कि नहीं? करेंगे। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। निरादर कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता जानता है कि आप ही ने नेता बनाया है। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता समझता है कि बनाने वाली जनता है। सत्ता में आकर भाजपा के नेताओं की तरह हम इस बात को भूलते नहीं हैं। ये अहंकार उनमें है, हम में नहीं है। हम जानते हैं कि आपने बनाया, आपको हम ना खुश करेंगे। आप हमसे
अब आप हमसे नाराज होंगे तो आप हमें नकार भी सकते हैं, और ये जो असलियत है, सच्चाई है, ये हर नेता को जाननी चाहिए। हर नेता के दिल में ये डर होना चाहिए कि अगर आपके सामने आकर झूठे वादे करें, आपको गुमराह करें, फिजूल की बातें करें आपके आगे आकर, तो उसको जनता से डरना चाहिए। अरे आए नहीं, तो याद दिला दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभी साथी एक बार अपने हाथ खड़ा करके अपना समर्थन देंगे। कांग्रेस पार्टी सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।